हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल अलंकार प्रॉपर्टीज में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंदिरा नगर लखनऊ में बने 3 BHK इंडिपेंडेंट हाउस, जो कि 1200 स्क्वायर फीट में बना हुआ 20x60 इसका साइज है और कवर एरिया आपको मिलता है 1850 स्क्वायर फीट। फ्रंट रोड की अगर हम बात करें तो 22 फीट आपको फ्रंट रोड मिलती है। आइए हाउस को अंदर से देखते हैं। ये लॉबी एरिया है जो कि 4 फीट का मिलता है और इसमें कोई भी आप बाइक या साइकिल बहुत आराम से पार कर सकते हैं। ये विंडो बिग विंडो है, वेंटिलेशन का ख्याल करते हुए ये विंडो बनाई गई है। अब आइए आपको पोर्च दिखाते हैं, जो कि बिग पोर्च है। कोई भी बड़ी से बड़ी गाड़ी आप यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं और जिसका साइज 9.11x21.9 स्क्वायर फीट आपको मिलता है। अब आइए इसकी आपको छत दिखाते हैं पोर्च की। तो ये छत पे भी आपको POP का डिज़ाइन दिया गया है। ये देखिए कितनी खूबसूरत छत इसकी लग रही है और पोर्च में भी मार्बल लगे हुए हैं। अब आपको ड्राइंग रूम दिखाते हैं। ड्राइंग रूम का साइज आपको मिलता है 9x17 स्क्वायर फीट। दीवार पे आपको पेंटिंग की डिज़ाइन मिल रही है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। सामने जो आप देख रहे हैं ये डाइनिंग एरिया है, अभी आपको ये भी दिखाएंगे। अभी आप इस रूम को देखिए, बहुत ही खूबसूरत इस रूम को डिज़ाइन करा गया है। ये डोर जो आप देख रहे हैं फर्स्ट डोर है। आइए सीलिंग देखते हैं। फॉर सेलिंग छत पे जो बनी हुई है ये बहुत ही खूबसूरत फॉर सेलिंग है। आप इसके डिज़ाइन को देखिए एक बार। फॉर सेलिंग के डिज़ाइन से दीवार पे भी पेंटिंग का कलर किया गया है जो कि इस कमरे की खूबसूरती को और बढ़ाता है। लाइटिंग का कॉम्बिनेशन अब जो कि कितना खूबसूरत लग रहा है। ब्राउन कलर के टाइल्स यहाँ पे लगे हुए हैं जो कि बिग टाइल्स हैं, जो इस कमरे की शोभा को और बढ़ा रहे हैं। आइए अब आपको डाइनिंग एरिया दिखाते हैं। ये डाइनिंग एरिया की छत है, इसमें भी आपको फॉर सेलिंग का एक खूबसूरत डिज़ाइन मिलता है जो कि आप देख सकते हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये आपको किचन का एरिया दिया गया है, जो कि एक बिग किचन है जिसका साइज 6x13 स्क्वायर फीट है, जो कि एक बिग साइज माना जाता है। ये जो आप इसके ऊपर भी आपको POP का डिज़ाइन दिया गया है और ये जो विंडो आप देख रहे हैं ये विंडो आपकी पोर्च की तरफ खुलती है। वेंटिलेशन का ख्याल करते हुए किचन को भी डिज़ाइन किया गया है। आइए अब आपको कॉमन टॉयलेट की तरफ ले चलते हैं। ये कॉमन टॉयलेट है, कोई भी गेस्ट हो, कोई भी आपके घर में आया हो वो ये टॉयलेट यूज़ करेगा। इस टॉयलेट में भी टाइल्स और मार्बल का यूज़ करा गया है। ये देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है, जबकि इस टाइम ये देखा जाए तो थोड़ा गंदा है, घर साफ़ नहीं किया गया है, इसके बावजूद भी कितना चमक रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। इसमें इंडियन सीट आपको दी गई है। आइए अब आपको मास्टर बेडरूम दिखाते हैं, जो कि ये मास्टर बेडरूम है। इसकी आप POP की डिज़ाइन देखिए कितनी ही खूबसूरत दिखाई दे रही है, अभी हम आपको दिखाएंगे। और ब्राउन कलर के टाइल्स लगे हुए हैं। इस बेडरूम को हम आपको बाहर से दिखा रहे हैं ताकि आप पूरा घर का नक्शा समझें। बेडरूम, फिर सेकेंड बेडरूम, उसके बगल में टॉयलेट दिया गया है। बेडरूम का साइज़ आपको मिलता है 10x16.9 स्क्वायर फीट, जो कि एक बिग साइज माना जाता है। और इसको देखिए आप, कितना ही खूबसूरत बेडरूम आपको मिलता है जो कि डाइनिंग एरिया की तरफ खुलता है। और देखिए हम चारों तरफ से इसको दिखा रहे हैं ताकि आप सही से बिल्कुल घर की लोकेशन को और घर के नक्शे को आप बिल्कुल कायदे से समझ जाएं। और ये जो आप विंडो देख रहे हैं ये विंडो आपकी OTS की तरफ खुलती है, इससे भी आपको वेंटिलेशन में
पूरा ख्याल रखते हुए बनाया गया है। और ये सेकंड बाथरूम है जिसका साइज़ आपको मिलता है 5.6x7 स्क्वायर फीट। इसमें भी आपको POP की डिज़ाइन छत पे दी गई है जो कि आप देख सकते हैं। ये विंडो जो आपको दिख रही है ये आपकी OTS की तरफ खुलती है और मार्बल टाइल्स का पूरा इस्तेमाल करते हुए वॉश बेसिन आपको इसी के अंदर दिया गया है और इस बाथरूम में वेस्टर्न सीट का इस्तेमाल किया गया है। आइए आप इस बेडरूम को देखें। ये देखिए POP की डिज़ाइन कितनी ही खूबसूरत, ब्राउन कलर के टाइल्स लगे हुए हैं। पूरे ही घर में ब्राउन कलर के टाइल्स लगे हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये डाइनिंग एरिया है आपका, जहाँ पे आप डाइनिंग टेबल डाल के आराम से खाना खा सकते हैं। ये है आपका सेकंड बेडरूम, जो कि फर्स्ट बेडरूम के बगल में सेकंड बेडरूम है और उसके बगल में आपको टॉयलेट मिलता है। 5 फीट की गैलरी आपको सेकंड बेडरूम दिखाते हैं जिसका साइज़ आपको मिलता है 9x16.6 स्क्वायर फीट। ये भी बिग साइज़ है। POP का डिज़ाइन आप देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। POP पे जो कलर करा गया उसी कलर से दीवार पे पेंटिंग हुई है जो कि बहुत एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये जो डोर आप देख रहे हैं ये OTS की तरफ खुलता है। इसको अभी हम आपको दिखाएंगे, पहले हम आपको सेकंड बेडरूम पूरा दिखा दें। इसमें भी वही टाइल्स लगे हुए हैं ब्राउन कलर के और बेडरूम से आपका डाइनिंग एरिया दिख रहा है। और ये देखिए दीवार की पेंटिंग इतनी खूबसूरत दिख रही है कि बार बार इसको दिखाने का मन कर रहा है। और ये है OTS। आइए अब आपको OTS दिखाते हैं, जो ओपन टू स्काई, वेंटिलेशन की पूरी आराम इससे रहेगी। इसका साइज़ 4x7 स्क्वायर फीट दिया गया है। ऊपर देखिए जाल है ताकि हवा आराम से नीचे पास हो सके और यहाँ पे आप अच्छे तरीके से इसको यूज़ कर सकें। एक विंडो इसकी फर्स्ट बेडरूम में खुली है और एक विंडो इसकी सेकंड बेडरूम में खुलती है। किसी भी तरह की आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, पानी का वॉशिंग मशीन रख के आराम से कपड़े धोए जा सकते हैं, या घर में कूलर है तो कूलर इस जगह पे आप रख सकते हैं। आइए अब बाहर की तरफ चलते हैं। ये बेडरूम से जैसे आप बाहर की तरफ जाएंगे तो फर्स्ट आपको गैलरी मिलेगी जो कि 5 फीट की गैलरी दी गई है। उसके बाद ये आपको दिख रहा है डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया ही में किचन है, सामने आपको दिख रहा था ड्राइंग रूम। आइए अब आपको छत पे ले चलते हैं, क्योंकि 3 BHK हाउस है तो 2 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, 2 लैट्रिन बाथरूम और किचन नीचे, 1 बेडरूम और 1 टॉयलेट आपको ऊपर दिया गया है। जीने का भी पूरा खूबसूरती का ख्याल रखते हुए मार्बल लगाए गए हैं। और ये देखिए ऊपर आपको छत पे भी POP की डिज़ाइन मिलेगी। आइए अब आपको ऊपर से दिखाते हैं कि बाहर से इसका लुक कैसा दिखता है, रोड कैसी दिख रही है, सामने का नज़ारा कैसा है, आप ये देख लीजिए। यहाँ भी आपको ब्राउन कलर के मार्बल लगाए हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत घर लखनऊ के इंदिरा नगर एरिया में आपको मिल रहा है। 1200 स्क्वायर फीट में बना, बहुत ही खूबसूरत। इसका कवर्ड एरिया 1850 स्क्वायर फीट में है और जिसका लंबाई चौड़ाई आपको 20x60 मिलती है। ये सामने टेडर्स हैं और इसमें फ्यूचर में क्या बनेगा, फ्लैट बन सकते हैं, कोई मॉल बन सकता है, जो भी बन सकता है बाद में डिज़ाइन डिसाइड किया जाएगा। ये जो आप सामने रोड नीचे देख रहे हैं 22 फीट की आपको रोड मिलती है। ये है आपका थर्ड बेडरूम और हम माफ़ी चाहते हैं थर्ड बेडरूम हम आपको अंदर से नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि ये बेडरूम अंदर से लॉक है और जिनके पास इनकी चाबी है वो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है तो हम ये आपको अभी नहीं दिखा पाएंगे। इसके लिए हम बहुत बहुत आपसे माफ़ी चाहते हैं। लेकिन जो बेडरूम आपने नीचे देखे हैं सेम वही साइज़ और वही डिज़ाइन से ये भी बेडरूम बना हुआ है। ये देखिए ये बेडरूम के पीछे से आपका
टेरिस की तरफ दरवाज़ा खुलता है। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये आपका थर्ड लैट्रिन बाथरूम है। अब आइए यहाँ से थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखा दें। चारों तरफ घर बने हुए थे, घनी आबादी है। अब आपको टेरिस की तरफ थर्ड फ्लोर की तरफ ले चलते हैं, थोड़ा सा आपको दिखा दें ताकि सही से बिल्कुल समझ में आ जाए कि इस घर का लुक कैसा है। ये थर्ड फ्लोर पे हम लोग जा रहे हैं, सामने आपको एक लोहे का गेट मिलता है। ये आपको दिया गया है, यहाँ से अब नीचे चलते हैं। यहाँ सेकंड फ्लोर से अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। सेकंड फ्लोर से ये जो आप सामने विंडो देख रहे हैं, ये विंडो आपकी किचन की विंडो है जो कि पोर्च की तरफ खुलती है। ये आपके डाइनिंग एरिया का डोर है, इसी से हम लोग अंदर गए थे। ये आपका पोर्च है,